हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। खाद बेचने वाले नेपाल कालाबाजारी करके मालामाल हो रहे हैं, लेकिन किसान ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर है। मधुबनी न्यूज पर खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में कई दुकानों की जाँच की गयी। एक तरफ जहां अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जांच कर रहे थे, तो दूसरी तरफ स्थानीय अधिकारी कई दुकानों पर पहुंचकर खाद की कालाबाजारी की पड़ताल किया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी ने पिपरौन पैक्स गोदाम पहुंचकर खाद दुकान की जांच किया। जांच के क्रम में उन्होंने अनुव्यक्ति पंजी भंडारण वितरण समेत पॉस मशीन की भी बारीकी से जाँच की है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरक की उपलब्धता किसानों को आसानी से हो सके इसके लिए जाँच किए हैं। सभी चीजों का बारीकी से जाँच कर कई आवश्यक निर्देश दुकानदार को दिया गया है। खाद की किल्लत पर उन्होंने कहा कि जिला से जैसे जैसे खाद की उपलब्धता मिल रही है, वैसे किसानों के बीच सरकारी रेट पर वितरण किया जा रहा है। किसी दुकानदार द्वारा अगर कालाबाजारी अथवा गलत करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जांच तो की गई है, लेकिन क्या किसानों को अभी आसानी से सरकारी रेट पर खाद उपलब्ध होगा, जो एक गंभीर सवाल है। अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे। निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने प्रतिष्ठान के जो उर्वरक का जो अनुज्ञप्ति होता है उसको जांच किए हैं। उसके बाद जो है स्टॉक रजिस्टर भंडार पंजी बिक्री पंजी और पॉस मशीन का निरीक्षण किए, उससे स्टेटमेंट निकाले हैं स्टॉक का, फिर सूचना पर इसके आधार पे हम लोगों ने जांच में कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सब ठीक ठाक और जो भंडार में जो स्टॉक है वो भी जो पॉस मशीन से जो स्टेटमेंट निकला है उसके हिसाब से मैच कर रहा है। अच्छा, किसानों को कई बार सर ऐसी समस्या आ जाती है ये मतलब खाद नहीं मिलने को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जैसे जैसे खाद की उपलब्धता जिले में हो रही है और जिला से जो है प्रत्येक प्रखंड में जो आच्छादन के हिसाब से जो उर्वरक की उपलब्धता तो करा रही है सरकार, तो लोग थोड़ा प्रयासरत है और होने पे तो उपलब्ध किसानों को कराया ही जा रहा है। और हम लोग सतत निगरानी कृषि विभाग के हर लेवल के पदाधिकारी और कर्मी सतत निगरानी कर रहे हैं कि किसानों को सही मूल्य पर जो है उचित गुणवत्तापूर्ण और उपलब्ध हो, हम लोग खाद उपलब्ध हो, उर्वरक उपलब्ध हो, हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।